नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। आज हम लोग आगरा में हैं। आगरा में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आगरा सेंट्रल जेल है। जेल में लाने के पीछे की वजह यह है कि यहाँ पे 5 अगस्त के बाद जब धारा 370 और 35A को रद्द किया गया, उसके बाद में कई सारे कश्मीरी कैदियों को जो है यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। हम यहाँ पे आए थे इन कश्मीरी कैदियों के परिवारों से मिलने के लिए, उनसे जानने के लिए कि उनके हालात कैसे हैं। हमने कई कश्मीरी फैमिली से बात की, ऑफ द रिकॉर्ड उन सभी ने ये माना कि हालात ठीक नहीं हैं। जेल, हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात की, स्थानीय लोगों ने कहा कि ये जेल सामान्य कैदियों के लिए नहीं है। यहाँ पे कई सारे दुर्दांत किस्म के कैदी जो हैं वो पहले से जो हैं सजा याफ्ता हैं। जब हमने एक परिवार से बात की जो कुपवाड़ा से आया था, तो उसने बताया कि वो अपने घर में, अपने परिवार में इकलौता उनका बेटा था जिसे जो है 5 अगस्त के बाद में जो है सेंट्रल फोर्सेस ने उठा लिया। उठाने के बाद में पहले कश्मीर की जेल में रखा गया, अब यहाँ रखा गया। 3 महीने बाद वो अपने बेटे से मिलने आए थे। बेटे से मिलकर वो काफ़ी भावुक थे। भावुक होने के बाद में उन्होंने हमसे बताया कि उन्हें, वो बता नहीं सकते कि उन्हें जो है कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कश्मीर से वो 700 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए। फाइनेंशियल दिक्कतें उनको पहले से ही थी, उनके लिए मेंटल ट्रॉमा ये भी था कि यहाँ पे किसी से भी उनका जो है रास्ता नहीं था, किसी को भी वो जानते नहीं थे। न जानने के बावजूद वो जो है किसी तरीके से आज अपने बेटे से मिले। उसके बाद में हमने उनसे बात की कि आप क्या हमसे कैमरे पे बात करना चाहेंगे, तो उनका साफ जवाब था कि नहीं, मैं आपसे कैमरे पे बात नहीं कर सकता। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, वो अपने भविष्य को लेकर काफ़ी अनिश्चित हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि आप कृपया करके मुझे जो है अकेला छोड़ दीजिए। फिर हमने जो है दूसरे परिवार से बात की। वो परिवार जम्मू कश्मीर के काफ़ी प्रतिष्ठित वकील का परिवार है। वो वकील भी यहाँ पे जेल में बंद है। उनके परिवार ने हमें बताया कि वो जो हैं डायबिटिक हैं, वो जो हैं एक किडनी पे ज़िंदा हैं, उनकी एक किडनी निकाली जा चुकी है, सिर्फ एक ही किडनी ही काम कर रही है। कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ बंद हैं, जिनके परिवार वालों को ये तक नहीं पता कि आगरा है कहाँ पे। कई परिवार ऐसे हैं जो वकीलों की सहायता नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल जो है इन परिवारों का हमसे भी था कि आप लोग जो है पर्टिकुलरली मेनस्ट्रीम मीडिया उनके सवालों को क्यों नहीं दिखा रहा है, आखिर उनकी परेशानियों को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं ये सवाल आपके सामने ज़रूर छोड़ के जाना चाह रहा हूँ कि 3 महीने से लोग अपने बच्चों से नहीं मिले हैं, उसके बाद जब वो मिलते हैं तो वो जो है हम लोगों से अपनी पीड़ा जो है वो शेयर नहीं कर रहे हैं। नुकसान किसका है, फैसला आप कीजिए। Thank you.